और ये वाली बस मेरे साथ साथ निकली थी, उसी पे बैठते हैं। कौन इतना वेट करेगा बाद में। एक बंदा वापस आ चुका है घर। तो गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे और मजे में होंगे। तो आप रेडी हो गए होंगे। और मंडी जा रहा हूँ आज गाड़ी के लिए पेट्रोल लाने, तो उसमें थोड़ा कम है तो गाड़ी तो नहीं लेके जाऊंगा यहाँ से मंडी। कौन लेके जाए, 1000 का डालेंगे अगर तो 400-500 का तो लग जाएगा आते जाते, बल्कि 30 रुपये किराया जाते 30 रुपये आते 60 रुपये लगेंगे। ऐसे 300-400 का पेट्रोल लग जाएगा, फायदा भी कोई नहीं, गाड़ी अलग से टूटेगी वो अलग बात। मैं उससे चलो लेके आते हैं। वैसे भी मतलब कोई इमरजेंसी हो ना या कुछ काम हो तो इंसान जाए, इतना भी कोई खास काम नहीं है। वहीं से कोई गैलन वगैरह ले लूंगा मैं, तो उसमें डाल के लाऊंगा। और निकल रहा हूँ घर से, मैं रेडी हो चुका हूँ, तो चलता हूँ फिर मिलता हूँ रास्ते में आपसे दोबारा फिर। भाई साहब रोड की हालत देखी क्या है, और इस रोड पे गाड़ी लेके जाना अजाब है गाड़ी को भी। और ये मलबा आया हुआ है देखा, बहुत ही बुरी हालत है। अभी ये तो शुरुआत है, आगे इतनी बुरी हालत है कि इंसान नहीं गुजर सकता। देखता हूँ और गाड़ी हुई तो ठीक है, नहीं तो वेट करना पड़ेगा फिर। सुमो एक लगी हुई है, चल के पहले उसी पे बैठते हैं, कौन इतना वेट करेगा बाद में। भाई आगे तक है तो मैंने सोचा चलो आज पैदल ही चलते हैं, किसी के पैसे भी देने थे यहाँ पे तो वो भी दे देता हूँ, फिर वापसी पे गाड़ी भी आ जाएंगे। थोड़ा आगे गुजरा हूँ यहाँ से, दिखाता हूँ फिर आपको। अभी मैं पहुंचा हूँ थोड़ा ही दूर है, आगे पेट्रोल पंप, यहाँ से आपको दिखाता हूँ दरिया में कितना पानी है। आज देखा आज कितना ज्यादा पानी है दरिया में। ये है जी हमारी नेशनल हाईवे जी, पेट्रोल पंप, साथ में ये जियारत है, मस्जिद भी इधर। इतना कोई ज्यादा दूर भी नहीं, 1 किलोमीटर होगा मंडी मार्केट से। और ये वाली बस मेरे साथ साथ निकली थी, मैं इस पे भी आता देखा अभी पहुंचा, इसे बेहतर है कि मैं पैदल ही आ गया। लगभग 1 घंटा तो ये यहाँ से 7 तक लगाएगी। और पेट्रोल लेके आ गया हूँ मैं, अभी गाड़ी वगैरह कोई नहीं आई तो पैदल ही जा रहा हूँ मैं वापिस। तो गाड़ी मिल गई तो उसी पर जाएंगे, तो यही पास में है, बस गिरना नहीं चाहिए। दिखाता हूँ मैं आपको, ये रहा, पहुंचता हूँ दोबारा फिर वहां पे तो आपको दिखाता हूँ। अभी मैं आके यहाँ पे बैठा हूँ थोड़ी देर के लिए, वैसे चलो 10 मिनट रेस्ट करता हूँ, उसके बाद जाने का फिर आपको दिखाता हूँ। अभी मैं घर वापस आ गया और आते समय वीडियो नहीं बना पाया। एक बंदा वापस आ चुका है घर जी। हाँ जी भैया, अभी इतना खराब हो गया ना मौसम, रात भी इतना ज्यादा ही खराब था मौसम के, इतनी तेज हवाएं, बारिश हो रही है, जितनी खिड़कियां थी दरवाजे, इतनी खिड़कियां दरवाजे सब के अंदर आया पानी आई रात। अभी मैं दिखाता हूँ, मैं देखा एक साइड पे आज बर्फ पड़ी हुई इधर, हेलो गाइस। तो अभी इतनी तेज बारिश हुई आज, फिर रात भी इतनी तेज बारिश हुई ना, पूरे घर हिला दिए, तो आज फिर वही हालत हुई है। फिर बारिश तो बरसे मतलब अच्छी बात है, लेकिन जो ही चलती है बाद में हवा बहुत बुरी हालत करती है, तो इतना ज्यादा डर लगता है, गरज चमक बहुत बुरी हालत हो गई है। आपको भी देखा तो अब देख रहे हो कितनी ज्यादा बारिश हो गई। अब इधर देखो, ये अभी थोड़ा वादा हटना स्टार्ट हुआ है, लेकिन लगता नहीं कि जिस तरह के हालात बने हुए हैं। आज भी जहाँ ऊंचे पहाड़े हैं वहां पे बर्फ स्टार्ट है। उस साइड मैंने अपनी मुर्गियां और बतके बाहर निकाले, उनको देखता हूँ। तो
और ये रही अपनी बतखें, इनको भी आज थोड़ा निकाला है बाहर। यहाँ पे रही मुर्गियाँ, इस साइड से थोड़ा इनको भी देखते हैं। मिलता हूँ आपसे दोबारा बाद में फिर। और गाइस ये था आज का व्लॉग, ज़्यादा तो कुछ दिखा नहीं पाया मैं, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो आज के व्लॉग के एंड में यही करता हूँ, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करना, हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग, तब तक के लिए बाय बाय।